नमस्कार दोस्तों, आज हम सी से ये मून ड्राइंग करेंगे, उसके बाद फिश ड्राइंग करेंगे एंड लास्ट ये पीकॉक ड्राइंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, आज हम अल्फाबेट सी से फर्स्ट मून ड्राइंग कर लेते हैं। और मून के साथ हम क्लाउड्स एंड स्टार्स भी ड्रॉ करेंगे आज। ये हो गया टू स्टार। अब हम मून का थोड़ा सा एक्सप्रेशन ऐड कर देते हैं। तो वाओ, इट्स लुक नाइस, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट कलरिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कलर मार्क कर लेते हैं। सबसे लाइट कलर है येलो कलर, सो येलो कलर शुरू कर रही हूँ। ओके, येलो कलर इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अभी हम नेक्स्ट करेंगे क्लाउड का कलर। क्लाउड में हम डार्क ब्लू से स्केच पेन के आउटलाइन के साइड से एक थिकर आउटलाइन पहले करेंगे। इसमें हमने डार्क ब्लू पहले किया है क्योंकि क्लाउड्स में हम कलर मिक्सिंग करेंगे। डार्क ब्लू के बाद हम लाइट ब्लू कलर से इस दोनों कलर को एक साथ मर्ज कर लेंगे। याद रखना, हमेशा कलर मर्ज करने के लिए डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर को लाइट कलर से करना ज़रूरी है। अभी हम मिडिल में थोड़ा सा हल्के हाथ से लाइट करके ये ब्लू कर दिया है। मैं फिर से और एक बार दिखा रही हूँ, अच्छे से देख लो। डार्क ब्लू से एक थिकर आउटलाइन कर रही हूँ मैं स्केच पेन के साइड से। ओके, अब इसके बाद लाइट ब्लू देकर दोनों कलर को एक साथ मर्ज कर रही हूँ। ओके, अब मिडिल वाले पोर्शन को हम हल्के हाथ से लाइट करके लाइट ब्लू कलर को कर रहे हैं। ओके, आई होप आप सबको समझ में आ गया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नाउ क्लाउड इज कंप्लीट। नाउ स्टार्ट ऑरेंज कलर इन द फर्स्ट स्टार एंड वी विल डू वायलेट कलर इन द सेकेंड स्टार and now our moon is ready. Now start to draw fish using alphabet C. ये भी बहुत ही ईजी है and you know this fish will be very cute. You will see that. बस आवर फिश इज ऑलमोस्ट डन। या इट्स रेडी। नाउ स्टार्ट कलरिंग।
कलर को हम पहले मार्क कर लेते हैं और इस डिज़ाइन में हम ब्लैक कलर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ ऑरेंज कलर, सबसे लाइट कलर है। पहले हम बहुत ही ध्यान से ये थिकर जो आउटलाइन बनाना है वो करेंगे ताकि कलर बाहर स्प्रेड ना हो जाए। एंड और एक चीज़ ध्यान रखना है, कोशिश करना कि ऑलवेज कलर इन सेम डिरेक्शन, नहीं तो अलग अलग डिरेक्शन में कलर करेंगे ना तो वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और कलर के बीच में कोई वाइट गैप नहीं रहना चाहिए। फिल ऑल द वाइट गैप्स। ओके, ऑरेंज कलर इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे वायलेट कलर। ये छोटी छोटी जगह है, बहुत ध्यान से करना है हमें ताकि कलर बाहर ना निकल जाए, थोड़ा ध्यान से करना है। ओके, वायलेट कलर इज कंप्लीट। नाउ सबसे लास्ट ब्लैक कलर। ब्लैक कलर करते टाइम बहुत ध्यान रखना है क्योंकि ये कलर बहुत ही स्प्रेड करते हैं। ब्लैक कलर ऑलवेज एकदम लास्ट में ही करना है और करने के टाइम भी थोड़ा सा ध्यान से करना है क्योंकि ये दूसरे कलर के ऊपर अगर स्प्रेड करेंगे तो एकदम पूरा ड्राइंग ख़राब हो जाता है। ओके, ब्लैक कलर इज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। Yes, our fish is ready. Okay, now start peacock using alphabet C. C को हमने इधर थोड़ा सा extend कर लिया है। ये drawing थोड़ा सा tough है, 4+ edges के किड्स के लिए, इसीलिए मैंने पहले दो इजी ड्राइंग दिखाई है। इस ड्राइंग में भी मैं कलर मिक्सिंग दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी न्यू ड्राइंग पोस्ट करूं तो आपके पास पहले ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, पीकॉक ड्राइंग इज नाउ ऑलमोस्ट डन। दोस्तों, ये डिज़ाइन आपको ठीक से दिखाई नहीं दिया होगा इसलिए मैं और एक बार आपको अच्छे से दिखा रही हूँ। आई एम सॉरी अबाउट दैट, मेरा कैमरा एंगल थोड़ा सा ठीक नहीं था। आई होप इस बार आप समझ गए होंगे। ओके, नाउ स्टार्ट कलरिंग। पहले हम कलर को मार्क कर लेते हैं
पीकॉक के बॉडी में हम ब्लू से कलर मिक्सिंग करने वाले हैं एंड विंग्स में भी येलो एंड ग्रीन से कलर मिक्सिंग करेंगे। ओके, अभी लाइट ब्लू से कलर करना शुरू कर रहे हैं। ये कलरिंग मैंने पूरा ही दिखाई है इधर, ताकि कलर मिक्सिंग के बारे में आपके मन में कोई भी कन्फ्यूशन ना रह जाए। बस नॉर्मल कलर करने जैसा ही है, सिर्फ जो डार्क कलर और लाइट कलर के बॉर्डर लाइन है उसमें हम लाइट कलर से थोड़ा सा मार्ज कर देते हैं। ये देखिए, लाइट ब्लू से हमने मार्ज कर दिया है। ओके, कंप्लीट हो गया, एकदम इजी है। अभी हम विंग्स में पहले येलो कलर कर लेंगे। ओके, एंड नाउ वी विल डू ग्रीन कलर। बस अभी ये जो बॉर्डर लाइन है ग्रीन और येलो के, इधर हम येलो से मार्ज कर रहे हैं। देखिए, ओके, फिनिश्ड, एकदम इजी है। अभी रेड कलर कर लेते हैं। बस हो गया। ओके, नेक्स्ट हम ये जो डिज़ाइंस है फेदर में, तो इसमें हमको लाइट येलो कलर यूज़ करना था, तो वो हम पहले कर लेते हैं। सबसे पहले येलो कलर इज कंप्लीट। नाउ वी विल डू ग्रीन कलर। थोड़ा ध्यान से करना है इधर, क्योंकि ये डिजाइंस है, इसके अंदर ग्रीन ना चले जाए। बहुत ही स्मॉल स्पेस है, तो हमें थोड़ा ध्यान से करना है। ओके, ग्रीन कलर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यप, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, ओके, अभी हम डिज़ाइंस को कलर करेंगे। पहले ही हमने येलो कलर कर ली थी, अभी इसलिए रेड कलर कर रहे हैं, उसके बाद लाइट ब्लू एंड लास्ट में सेरुलियन ब्लू। सभी डिज़ाइंस में हम ये चारों कलर की कॉम्बिनेशन करेंगे, येलो, रेड, लाइट ब्लू एंड सेरुलियन ब्लू। बहुत ही स्मॉल स्पेस है, तो इसलिए हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ताकि कलर स्प्रेड ना हो जाए। ओके, इस तरह से हम हर एक डिज़ाइंस को कंप्लीट कर लेंगे हैं। ओके, अभी लेग बाकी है। लेग में पहले हम अल्ट्रा मैरिन ब्लू कर लेंगे। इसके बाद हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।